क्या रेगिस्तान वास्तव में बढ़ते या घटते रहता है? जी हाँ, बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि यहाँ ऐसा क्यों होते रहता है। आप अगर एक मंथ तक लगातार प्रतिदिन एक्सरे करा रहे हैं तो आपको क्या उससे नुकसान होगा? यानी एक्सरे आप तो एक मंथ में प्रतिदिन एक्सरे कराए, इससे क्या नुकसान है? अगर एक मंथ तक आप एक्सरे प्रतिदिन कराते रह गए तो आपको, यानी कि आपको किडनी खराब हो सकता है, आपके अंदर कैंसर हो सकता है, आपके अंदर होल हो सकता है जो कि एक्सरे कराने से। इसलिए आप इस पर ध्यान रखें। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आते हैं यह हम लोग को बचपनों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको हम लोग को क्या याददाश्त आपको फिर से ताज़ा करना चाहिए। जी हाँ, इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में आता है? 8 मिनट 17 सेकंड। 17 सेकंड कभी 20 सेकंड टाइम लेते हैं। 8 मिनट 17 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक पृथ्वी पर प्रकाश सूर्य का आ जाते हैं। मैं फिर संस्कृत भाषा में सूर्य को कितने नामों से पुकारा जाता है, यानी कि नाम दर्ज किया गया है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि सूर्य है वो लाल प्रकार का एक गोल है, इसी प्रकार से संस्कृत में कितने नामों से जाना जाता है? संस्कृत में 108 नामों से यहाँ लिखा गया संस्कृत में कि सूर्य का यहाँ नाम है, सूर्य देव है, सूर्य ग्रह है, इसी प्रकार से 108 प्रकार के नामों से संस्कृत में दर्ज किया गया है। अंतरिक्ष सूट जो पहनकर साइंटिस्ट व्यक्ति जाते हैं, उस एक सूट का क्या कीमत है? अगर आप इस सूट के बारे में अगर जान गए तो आप चौंक जाएंगे कि इतना कीमत है मात्र एक सूट का। जी हाँ, यानी $12 मिलियन, $12 मिलियन अमेरिकन डॉलर हुआ। इंडियन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 85 करोड़ रुपए हुए। अगर इसका इतना महंगा क्यों है? इतना महंगा इसलिए है कि जैसे प्लेटिनम धातु होता है वह बहुत महंगे होते हैं, उसी प्रकार से धातु को जो बनाए जाते हैं इसलिए इतने महंगे पड़ते हैं इस एक आदमी के लिए सूट को, जो कि 85 करोड़ कीमत है। गाइज, क्या आप जानते हैं कि जो रोबोट काम कर रहा है आज पृथ्वी पर, वर्क कर रहा है, वो 2034 तक कितने रोबोट पृथ्वी पर काम करेंगे? जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, जो मजदूरों को काम के लिए रोबोट को पृथ्वी पर काम करेंगे, जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, जो मजदूरों को काम के लिए रोबोट को उपयोग किया जा रहा है कि मजदूर के जगह रोबोट काम करे, वह 2034 तक 47% ही रोबोट, यानी कि 47% रोबोट हो जाएंगे, कंप्यूटर रोबोट मिलकर 47% काम करेंगे। अधिकांश आपको रेगिस्तान कहाँ पर देखने का मिलेगा? यह तो राजस्थान में भारत में मिलता है, लेकिन किस जगह पर सबसे अधिक मात्रा में वहाँ रेगिस्तान पाए जाते हैं? कौन सा जगह है जहाँ पर आप देख रहे बहुत अधिक सारे मरुस्थल यानी कि भूमि देख सकते हैं रेगिस्तान, वो कौन सा जगह है? मकर रेखा और कर्क रेखा पर अधिक मात्रा में वहाँ पर मरुस्थलों का क्षेत्र है, जो कि सबसे अधिक। क्या रेगिस्तान जो मरुस्थल है, रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में जो तापमान दिन का होता है और रात का जो तापमान होता है, क्या समान होता है या थोड़ा सा डिफरेंस होता है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस नहीं, बहुत अंतर, अधिक अंतर होता है, जो कि इतना अंतर होता है कि दिन में बहुत अधिक गर्मी लगेगा और रात के समय बहुत अधिक ठंड लगेगा, जो कि रेगिस्तान में होता है। गाइज, जितने पृथ्वी है उस पृथ्वी पर, यानी कि मिट्टी की जितना संख्या है, उसमें कितने प्रतिशत रेगिस्तान यानी मरुस्थल, जो कि बालू का भूमि है, वो कितने परसेंट है? अगर निकाला जाए परसेंट, तो पृथ्वी पर यानी कि मिट्टी की जितना संख्या है उसमें कितने प्रतिशत रेगिस्तान यानी मरुस्थल, जो कि बालू का भूमि है, वो कितने परसेंट है? अगर निकाला जाए परसेंट, तो पृथ्वी है, पृथ्वी के तीन भाग में, यानी कि तीन भाग में एक भाग पर केवल मरुस्थल है, जो कि बालू ही बालू है, जो कि रेगिस्तान एक भाग कवर किया हुआ है पूरे पृथ्वी में, तीन भाग से एक भाग। क्या आप कभी सुने हैं कि रेगिस्तान बढ़ता है, यानी मरुस्थल है बालू का रेत वो बढ़ता है? ऐसा आप लोग कभी सुने होंगे, लेकिन पूर्ण विषय बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्या होता है, यानी कि क्यों ऐसा बढ़ते रहता है, कभी घटते रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ऐसा इसलिए, कभी तूफान आया तो बालू को उठाकर अधिक दूर तक फैला दिया तो बढ़ गया, और कुछ दिनों तक तूफान नहीं आया तो मिट्टी फिर से उस पर चढ़ गया, इसलिए घट गया रेगिस्तान और फिर बढ़ गया। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।